एक बार भगवान शिव पार्वती यहाँ कुंड के पास बैठे हुए थे, तो माता पार्वती का जो कर्ण कुंडल है यहीं गिर गया था, तो उसे ढूंढने लगे थे भगवान शिव, तब से इसका नाम जो है मणिकर्णिका पड़ा था। और इसे महाशमशान घाट भी कहा जाता है, क्योंकि माता सती के पार्थिव शरीर का संस्कार किया गया था। भारत के सबसे प्राचीन शहर बनारस में, और बनारस के बारे में कहा जाता है कि ये भगवान शिव के त्रिशूल पे टिका हुआ है। और चूँकि बनारस जो है घाटों का शहर है, यहाँ पे 80 से भी ज़्यादा घाट, और उन घाटों में भी कुछ जो है बहुत महत्वपूर्ण घाट है, जैसे मणिकर्णिका घाट, दशाश्वमेध घाट, 80 घाट और हरिश्चंद्र घाट। तो इन घाटों के जो नामकरण से काफ़ी किदवंतियाँ जुड़ी हुई हैं, और इनका से इनमें घाटों का बहुत ही ज़्यादा महत्व हो रहा है। तो इन्हीं में से एक है मणिकर्णिका घाट, क्योंकि अभी मैं यहीं पर मणिकर्णिका घाट में, और मणिकर्णिका घाट का जो नामकरण का जो किदवंती जो जुड़ी हुई है इस प्रकार है। एक बार जो भगवान शिव और पार्वती यहाँ कुंड के पास बैठे हुए थे, तो माता पार्वती का जो कर्ण कुंडल है यहीं गिर गया था, तो उसे ढूंढने लगे थे भगवान शिव, तब से इसका नाम जो है मणिकर्णिका पड़ा था। और इसे महाशमशान घाट भी कहा जाता है, क्योंकि माता सती के पार्थिव शरीर का संस्कार किया गया था, और इसलिए इसे महाशमशान घाट कहा जाता है। मणिकर्णिका घाट के पास में और प्राचीन मंदिर भी देखिए, काफ़ी पुराने मंदिर और प्राचीन मेरा ब्लॉग मणिकर्णिका घाट से कैसा मंदिर बुक करिएगा, अच्छा लगा लाइक कर दीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।